Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on. गुड मॉर्निंग सिंगल लॉन्डो, क्या हाल चाल? हमें दिल पे मत लो यार, हम भी सिंगल ही हैं और सब बढ़िया है। चलो बढ़िया रहना चाहिए जिंदगी में, सब टन अटन रहना चाहिए। वैसे आज फिर से लेके आ चुका हूँ नए नए मिस में आपके लिए। और भाई आज वाले मिस जो है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे जी हाँ। इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी जान जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। एंड इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट है 20,000 लाइक्स का, जी हाँ, तो करवा दीजिएगा। वैसे मुझे यकीन है आप करवा ही देंगे, लेकिन आपको याद दिलाना तो बनता ही है। तो आज आप वीडियो में प्रवेश करते हैं। अगर आप स्प्रिंट करते वक्त ग्रेनेड को थ्रो करोगे तो कुछ समय के लिए स्प्रिंट बटन येलो से व्हाइट हो जाएगा। ओके, चलिए ट्राई करके देखते हैं। यस ब्रो, अगर हम स्प्रिंट करते टाइम ग्रेनेड थ्रो करते हैं तो हमारा स्प्रिंट बटन येलो से व्हाइट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये वाला मिथ कंफर्म है। जब आप किसी भी बिल्डिंग की छत पे आइस वॉल क्रिएट करते हैं तब आइस वॉल उसके नीचे वाले फ्लोर पर भी आ जाती थी, मगर अब ये वाला ग्लिच फिक्स कर दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ यार, आपके पास 100% सच है। अगर हम किसी भी छत पर आइस वॉल को क्रिएट करते हैं तो उसकी वॉल नीचे वाले फ्लोर तक नहीं आती है। इसका मतलब ये वाला मैथ कंफर्म्ड है मेरे चैन। स्टेप 1, टीडीएम मैच स्टार्ट करो। स्टेप 2, ग्रोज अप और रेड डॉट लगाओ। स्टेप 3, सब बुलेट्स फायर करके बस 10 बुलेट्स गन में रखो। स्टेप 4, अब गन को रिलोड करते टाइम स्कोप को ओपन करो। रिजल्ट, ऐसा करने से आपका कैरेक्टर अलग तरीके से रिलोडिंग करेगा। अब चलिए इस मिथ को भी ट्राई करते हैं। नहीं ब्रो, आप गन को रिलोड करते टाइम स्कोप को ओपन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये वाला मिथ बस्टेड है। जमीन के ऊपर स्टिकर लगाओ और स्टिकर पर मार्क करो। रिजल्ट, ऐसा करने से मार्क आपके साथ हिलता रहेगा। क्या ऐसा, चलिए देखते हैं। हाँ यार, ऐसा करने से हमारा मार्क हमारे साथ हिल रहा है। इसका मतलब ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। बाकी आइए, जो वीडियो में गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड रिडीम कोड्स देता हूँ उनको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से इस वेबसाइट पे आके गूगल से लॉग इन करना है, ठीक है। अब इस रिडीम बटन पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल यहाँ टाइमर नहीं है, लेकिन जब आप जाएंगे तो यहाँ टाइमर चल रहा होगा। जैसे ही टाइमर खत्म होगा आपको तुरंत वीडियो में दिखाया गया कोड पेस्ट करके सबमिट कर देना है, भूलिएगा मत। अब मैंने सिर्फ डेमो के लिए लिखा है ये, ठीक है। इस कोड को ट्राई मत कीजिएगा वरना आपको इनवैलिड बताएगा ये, फिर आप कहेंगे यार ये काम नहीं कर रहा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड मिल जाएगा। सिंपली इसको आप कॉपी कर सकते हैं एंड आपको स्टोर पे चले जाना है। अब यहाँ साइड बार खोल के रिडीम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपने जो कोड कॉपी किया वेबसाइट से उसको अप्लाई करके आपको कन्फर्म कर देना है। अरे, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड रिडीम हो चुका है। अब आप इसको फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ क्लैंस या फिर किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हुए गेम में आप यूज कर सकते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो दिए गए रिडीम कोड्स को सबसे पहले रिडीम करेगा ये गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा, ठीक है। बाकी लक को आजमाते रहिए, आज नहीं तो कल आप जीत ही जाएंगे। फिलहाल आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 1, आइस वॉल को क्रिएट करो। स्टेप 2, आइस वॉल के ऊपर स्टिकर लगाओ। स्टेप 3, अब उस ब्लॉक को तोड़ो जिस ब्लॉक पर स्टिकर लगा है। रिजल्ट, ऐसा करने से स्टिकर हवा में रहेगा। क्या ऐसा, चलिए ट्राई करते हैं।
नहीं ब्रो, अगर हम आइस वॉल पर स्टिकर लगाते हैं ना एंड उसको ब्रेक करेंगे ना, तो स्टिकर भी गायब हो जाता है। इसका मतलब ये अलार्म बस्टर्ड है। पावर आर्मर मोड में किसी भी एनिमी के पास अगर पावर आर्मर सेट का कोई भी पार्ट होता है तो उसके क्रिएट से ब्लू कलर की लाइट शो होगी। ओके, चलिए देखते हैं। यस ब्रो, आपकी बात सॉर्ट का सच है। एनिमी के क्रेट से ब्लू लाइट शो हो रही है एंड इसके अंदर पावर आर्मर सेट का पार्ट भी है। ग्रेट, इसका मतलब यह है कि यू वाला मैथ कंफर्म्ड होता है मेरी चैन। स्टेप 1, यूएजेड को एक जगह खड़ा करो। स्टेप 2, अब यूएजेड की एक साइड पर आइस वॉल को क्रिएट करो। स्टेप 3, अब ऑपोजिट साइड पर जाके एक और आइस वॉल को क्रिएट करो। स्टेप 4, अब यूएजेड की छत पर जाओ। स्टेप 5, वॉल एंड यूएजेड के क्लोज आकर पंच प्लस जंप प्लस ड्राइव करो। रिजल्ट, ऐसा करने से हम यूएजेड के बाहर बैठकर यूएजेड को चला सकते हैं। ओ भाई साहब, काफी खतरनाक मत लग रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। Yes bro, आपकी बात सॉर्ट का सच है। ऐसा करने से हम UAZ के बाहर बैठकर UAZ चला रहे हैं। Great, it means this myth is confirmed. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाक से लाइक ठोको। अगर आप पावर आर्मर मोड में बिना वेपन के मरते हो तो जैसे ही आप रिस्पॉन्ड होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वेपन आ जाएंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। यार सच में, अगर हम बिना वेपन के मरते हैं तो जैसे ही हम रिस्पॉन होंगे तो हमारे पास वेपन्स आ जाएंगे। इसका मतलब दिस मिथ इज कंफर्म। आप पावर आर्मर मोड में उड़ते उड़ते इमोट कर सकते हो, बस आपके पास पावर आर्मर सेट होना चाहिए। स्टेप 1, कोई भी इमोट करो। स्टेप 2, आप पावर आर्मर के पावर का यूज करो। स्टेप 3, जैसे ही आप उड़ते हो तभी इमोट यूज करो। रिजल्ट, ऐसा करने से आप उड़ते उड़ते इमोट कर सकते हो। क्या ऐसा है? चलिए ट्राई करके देखते हैं। ओ भाई साहब, आपकी बात सौड़े का सच है। हम उड़ते उड़ते इमोट कर सकते हैं। ग्रेट यार, रियल अमित कंफर्म्ड होता है। गासिया का साउंड हाई एसएफएक्स क्वालिटी में अलग है एंड अल्ट्रा एसएफएक्स क्वालिटी में अलग है। ओके, चलिए देखते हैं कितना अलग है भाई। तो ये है हाई एसएफएक्स क्वालिटी में। अब चलिए अल्ट्रा एसएफएक्स क्वालिटी में देखते हैं। Yes bro, सच में हाई एसएफएक्स एंड अल्ट्रा एसएफएक्स में डासिया का साउंड अलग अलग है। इसका मतलब ये अलामत कंफर्म्ड होता है मेरी चैन। अगर
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप कभी कोई मैथ हो तो लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आप मेरी गेम प्ले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गेम प्ले चैनल का लिंक है। अगर आपको गेम प्ले देखने तो बॉस उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इनको भी चेकआउट कर लेना। चलिए अब मैं जा रहा हूँ सोने, यार बहुत थक गया हूँ। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स मेरी जान।